सो हेलो व्हाट्स अप अननोन फैमिली, स्वागत है आपका हमारी इस प्यारी सी वीडियो में। वेल बिना टाइम की बर्बादी किए मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको दिखाऊंगा 5 ऐसी कम्यूटर बाइक्स जो कि अफोर्डेबल भी हो, कंफर्टेबल भी हो और माइलेज तो एकदम धुआंदार लेवल का दे है। एंड इस चीज के लिए आप लोग भी काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे, है ना। तो लो फिर आपके अननोन ने आपके दिल की बात चुपके से सुन ली एंड हाजिर हो गया मैं आपके सामने इस वीडियो के साथ। वेल सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कम्यूटिंग होता क्या है एंड कम्यूटर बाइक्स का महत्व क्या होता है, क्योंकि आई नो कि आप में से कुछ बंदे तो इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे। लाइक आप सब मुझे इतना प्यार देते हो कि अननोन भाई की कोई सी भी वीडियो आई है देख लो बस। तो इतने ज्यादा प्रेम और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया यार। वेल कम्यूटर बाइक्स बोले तो एक ऐसी मोटरसाइकिल जो कि डेली यूज की जाती हो, वो भी बहुत बहुत लंबे सफर के लिए, लाइक आपके घर से आपके ऑफिस तक का डिस्टेंस। एंड इंडिया में लोग सबसे ज्यादा कम्यूटिंग करते हैं अपने घर से अपने काम पर जाने तक, और इसीलिए उन्हें एक ऐसी बाइक चाहिए ही चाहिए होती है। तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं नंबर 5 वाली बाइक के साथ जिसका शुभ नाम है होंडा शाइन। यस 125cc में इस बाइक को लोग माइलेज का किंग भी कहते हैं, क्योंकि ये प्यारी सी बाइक इजीली 55-60 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल कर दे देगी। बाकी 124cc के BSX इंजन के साथ आती है स्ट्रीट मोटरसाइकिल जो कि 10.59 bhp की पावर के साथ प्रोड्यूस करती है 11 nms ऑफ पीक टॉर्क। 10.5 liter का फ्यूल टैंक है इसका, तो फिर लॉन्ग राइड्स भी आराम से होने वाली है। इसमें 2 वेरियंट देखने को मिल जाएंगे आपको, शाइन ड्रम और शाइन डिस्क। ड्रम ब्रेक्स वाले का ऑन रोड प्राइस है 93,000 के आसपास, और अगर डिस्क ब्रेक्स वाला चाहिए तो 5,000 और एड कर लेना अपनी तरफ से। बाकी काफी रिलायबल इंजन के साथ आती है तो डेली कम्यूटिंग में तो मजे ही आ जाएंगे। लेकिन हेलोजन हेडलाइट, वही 80/100 सेक्शन के पतले पतले टायर्स, और मीटर भी एनालॉग मिलेगा इसमें आपको, जो कि इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, लेकिन फिर कंपनी बोलती है कि इतने में इतना इंच मिलेगा। लेकिन अगर इतने में आपको ये सब भी चाहिए तो देख लेना एक बार हीरो ग्लैमर एक्सटेक की तरफ, क्योंकि इसके अंदर है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके अंदर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है और भी काफी सारे फंक्शंस है। 124.7cc 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है ये बाइक, एंड 10.72 ब्रेक हॉर्स पावर 10.6 न्यूटन मीटर टॉर्क भी निकाल लेती है आराम से। बाकी इसके 2 वेरिएंट्स हैं, एक आता है 1,02,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस पर, एंड सेकंड वन इज 1.08 लाख। थर्ड तो अभी हमारे पास है होंडा की तरफ से यूनिकॉर्न। यस भाई कम्यूटिंग बाइक्स का किंग तो होंडा को ही कहा जाता है, क्योंकि यार होंडा ने काफी सारी स्ट्रीट बाइक्स बना रखी है डेली कम्यूटिंग के लिए। बाकी इस वाली बाइक के लिए तो लोगों के दिल में इतना ज्यादा प्यार भरा हुआ है ना कि दूसरी कोई भी बाइक इसकी जगह नहीं ले सकती। लाइक इसके इतने ज्यादा प्रीमियम एंड क्लासी लुक्स जो कि बंदों के दिल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वेल इसमें हमें मिलता है 162.7cc का एयर कूल्ड इंजन, मतलब काफी बड़ा इंजन है, एंड 12.9 PS के साथ 14 Nm तक का टॉर्क, मतलब टॉर्क भी बहुत खतरनाक है यार। बाकी मीटर कंसोल तो एनालॉग ही मिल रहा है, बट नो डाउट की बहुत ही प्यारा है। वन एंड ओनली वेरियंट आता है जिसमें फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं आपको। वेल हाँ प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है 1.3 लाख, बट एज वेल एज सही भी है इसके इंजन एंड पावर्स के हिसाब से। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सारी सिंपल सी बाइक्स क्यों दिखा रहा हूँ, लाइक कहाँ है वो RTR, पल्सर, N160, X-Blade, FZS वगैरह वगैरह। तो हाँ मानता हूँ कि वो सब भी बढ़िया बाइक्स हैं, लेकिन क्योंकि वो स्पोर्ट बाइक्स होती हैं तो कहीं ना कहीं या तो उनका प्राइस ज्यादा होता है या फिर माइलेज कम या फिर पिलियन राइडर के लिए कम्फर्टेबल नहीं होंगी, एंड मेंटेनेंस तो ज्यादा होता ही है उनका। सो इसलिए मैंने आपके लिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वाली लिस्ट बनाई है। सो बैक टू द टॉपिक, अभी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगी होंडा की तरफ से SP125। अब 1 लाख ऑन रोड प्राइस पर ये एकमात्र ऐसी बाइक है जो कि काफी प्यारे और स्पोर्टी से लुक्स प्रोवाइड कराती है। काफी ज्यादा लाइट वेट है यार, लाइक 116 kg। फैमिली के लिए भी एकदम परफेक्ट बोल दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। 124cc BS6 इंजन के साथ आने वाली कमाल चीज 10.72 bhp के साथ 10.9 nm तक का टॉर्क भी जनरेट कर लेती है, और माइलेज 60-70 के बीच आराम से निकाल लेगी, डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्किल्स। और अब क्योंकि ये होंडा की बाइक है तो ऑफ कोर्स काफी रिफाइंड एंड स्मूथ इंजन मिलेगा इसमें। सो यही वो रीजन है कि आप लोग इसकी तरफ आंख बंद करके भी जा सकते हो। बट अभी जो बाइक नंबर 1 पर है वो तो सबकी फेवरेट होती है यार, गेस करो कौन सी। यस अपनी स्प्लेंडर यार, बट आज मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक वर्जन, क्योंकि इसमें आपको काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक डिजिटल मीटर कंसोल जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, SMS अलर्ट्स एंड रियल टाइम माइलेज भी आप लोगों को दिखा पाएगा, एंड नॉर्मल स्प्लेंडर से हटके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि साइड स्टैंड कट ऑफ एंड USB चार्जिंग पोर्ट वगैरह। बाकी 97.2cc के BS6 इंजन के साथ आती है एंड पावर स्पीड ठीक ठाक निकाल कर दे देती है। वेट भी बहुत हल्का है और लुक्स वाइज तो एकदम अप्सरा ही लगती है। वेल डेली में इसका ऑन रोड प्राइस है 94,000, तो ले सकते हो इसे भी। सो दैट्स इट, वीडियो समाप्त हो जाती है यहीं पर। तो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो पसंद आई हो तो, एंड अगर इनकेस पसंद नहीं आए तो फिर मेरे को कमेंट्स में बता देना कि मैंने क्या गलती करी, मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा। बाकी बेल आइकन को ऑन कर लो ऐसी मस्त वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना, लव यू ऑल।